हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी, जय भोलेनाथ। और कैसे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी के कमेंटों का पूरी तरह से कोशिश करती हूँ रिप्लाई दूँ सभी। आप मुझे देखते हो वैसे मैं भी आपके कमेंट के जरिए आपको जानूँ कैसे हैं आप, कहाँ हैं, तो ये सब अच्छा लगता है जान के। यहाँ पर मैंने इनको रोटी दे दी है, अरवी की सब्ज़ी बना रही हूँ, रखी हुई थी आधे से ज़्यादा अरवी तो ख़राब निकल गई है और मैंने वहाँ पे सारी तैयारी कर दी है। और आप लोग मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि मैं गलती कर रही हूँ। मुझे पता है लहसुन प्याज डाल रही हूँ, पर ये खाना नहीं खाते हैं। आप लोगों को पता है इनको लहसुन प्याज के बिना नहीं अच्छा लगता, और हमारे यहाँ सभी लोग खा रहे हैं, इसलिए मैं पहले से ही आप लोगों को बता दे रही हूँ। हमारे यहाँ सभी खा रहे हैं, गली में भी सब खाते हैं। और मेन चीज़ है फिर ये देखिए, यहाँ पे घी दूध तो कुछ है नहीं, वैसे ही इनका बीपी वगैरह लो होता है। खाने पीने का ध्यान नहीं रखूँगी तो इनकी और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज और अरवी को छील लिया। इसको अच्छे से धो लूँगी। आधी किलो अरवी में इतनी सी तो अरवी निकली है। मैं मेथी से भी छौंक देती हूँ, अजवाइन से भी छौंक देती हूँ। फ़िलहाल मेथी थी नहीं तो मैंने अजवाइन से छौंक दिया। दो प्याज जो भी लिए थे मिक्सी में पीस लिए हैं, और अच्छे से भूनने के बाद उसमें मैंने प्याज को डाल दिया। और इसको भून जाए तो सारे मसाले डाल दूँगी। तरी वाली अरवी बना रही हूँ। वैसे मैंने सोचा था हरी उबाल के हरी मिर्ची वाली बनाऊँगी, पर हरी मिर्ची वाली इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अरवी 5 या 6 तो ख़राब ही निकल गई, फिर उसमें क्या निकलता। तो फिर मैंने बोला टमाटर वाली तरी वाली बना लेते तो थोड़ी सी हो भी जाएगी, नहीं तो फिर दो दो सब्जियां बनानी पड़ेंगी। तो इस वजह से फिर भी सब्जी नहीं होगी, कमी हो गई थी क्योंकि आधी किलो पे कितनी चढ़ती है, आप लोग वो कर सकते हैं। फाइनली थैली का जो मैंने छोटे छोटे पाउच में मसाले मंगाए थे वो ख़त्म हो गए। अब डब्बे में मैंने उस दिन मसाले वाले भैया आए थे, आधी आधी किलो मसाले ले लिए, वो डब्बे में करके रखने हैं। किसी चीज़ का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, किस चीज़ का, फिर मुझे कल भी मैंने बोला था रसोई का मेकओवर करूँगी, तो किस चीज़ का कर रही हूँ मुझे आप लोग बताना, बस वो आ जाए फिर मैं अपने रसोई का पूरे का फिर से मेकओवर करूँगी। यहाँ पे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी है, मसाले को अच्छे से भूनने देंगे। इसमें अरवी को डाल के थोड़ी देर इसको मसाले में अरवी भूजेगी, उसके बाद ही पानी डालूँगी। और मैंने एक टमाटर डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दी, इसको पकने दे। तरी वाली अच्छी लगती है, पर हरी मिर्ची वाली ना अरवी ना पराठे पूड़ी से बहुत अच्छी लगती। किसी दिन बनाऊँगा, मैं बनाई थी आप लोगों को ध्यान होगा। तो इसमें डाल दिया अरवी को, इसको भुजने देते, फिर इसमें पानी डाल के 2 या 3 सीटी में आपकी अरवी है बनके तैयार हो जाती है और अच्छी लगती है। अभी तो सब्जियां इतनी महंगी हो गई है तो क्या खाएं, मतलब थोड़े से ही काम चलाना पड़ता है, अभी तो कुछ भी वेस्ट नहीं करना होता है। यहाँ पर मैंने सब्जी में पानी पक गई है अच्छे से, सब्जी मसाले में भूज लिए, उसमें पानी डाल देंगे। थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं, बर्तनों को सेट कर लेना। और मौसम बारिश जैसा हो रहा है, पर हो ना बारिश बस यही बहुत है क्योंकि दिल्ली में पानी पानी हो गया, बाहर निकलना करना सब बंद हो गया है। बहुत 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 ज़्यादा बेहाल हो रखे हैं। एक थोड़ी सी राहत मिली और उससे भी ऐसे हो, देखो मेरा जूड़ा कैसे हो गया है। मतलब उमस वाली चिपचिप वाली गर्मी है, बालों में हाथ लगाने का ही बिल्कुल मन नहीं करता। यहाँ पे मेरी अरवी बन जाएगी। नींबू कटे हुए, नींबू मैंने मंगा लिए थे, जैसे बच्चों के स्कूल वगैरह होते ना तो फिगारा होता है वो, क्या वो तो होता नहीं है, तो नींबू से ही दूध को फाड़ के पनीर के परांठे हुए भुजिया हुए बच्चों के टिफ़िन के लिए बना दो तो वो सही रहता है। लाइट कर दी कम, उसको बनने देते हैं। यहाँ पर मैं बहुत टाइम बाद गूलर बना रही हूँ, आटा गूंद लिया, कैसे आप लोगों के साथ मैंने कई बार शेयर किए। टीवी देखती जा रही हूँ और बनाती भी जा रही हूँ, मन कर रहा था कुछ चटपटा सा अच्छा सा खाने का तो ये मुझे खाने थे। अब कि मैं फ्राई वाले बनाऊँगी तो इस वजह से मैंने फटाफट से बच्चों ने भी मदद करवा दी थी, बैठे बैठे बना रहे, सभी ने खाए थे, ज़्यादा मतलब नहीं बनाए थे, एक एक कटोरी हो गए थे, अब काफ़ी ज़्यादा अच्छे। देखो सोना ने भी मदद करवाई, वंशु ने भी मदद करवाई, ये बैठे ही थे। और खाने में नींबू वगैरह डाल के खाए ना बहुत ज़्यादा वो अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। हम लोगों को तो वैसे लगते ही, आप लोग इन्हें पास्ता कह लो कुछ भी, हम लोग तो इनको गूलर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी में उबाल लिए इनको, थोड़ा सा तेल डाल के इनको फ्राई कर सकते, बेसन और आटे में आटा गूंदा था, नमक डाल के अब कढ़ाई को धो लेंगे। इसी में थोड़े से फ्राई करके मसाला मैंने पहले से ही तैयार करके रखा है क्योंकि फिर जल्दी जल्दी से पानी फिर कढ़ाई बार बार गैस चलाओ, तो मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के इनको फ्राई कर लेंगे। लहसुन प्याज हरी मिर्ची, आपके पास टमाटर है तो टमाटर, मेरे पास एक टमाटर घुया में डाल दिया, इसमें मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला इसको रहने देते। थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको फ्राई करने के बाद धीमी धीमी आंच पे इनको फ्राई करें, फ्राई करने से और भी स्वाद बढ़ जाता है। ये देखिए इस तरीके से मैंने पानी था उसको मतलब छेद वाली उससे करके
इस तरीके से फ्राई किया, फिर निकाल दिया। ज़्यादा देर नहीं, 10-5 मिनट करेंगे ना, आपको अलग ही वो पता चल जाएगा। बस एक बार आप खाते हैं ना तो लगता है हाँ कुछ खाया है, अलग सा खाने का मन होता है ना, कुछ बाहर का ना। और ये कोई नुकसान भी नहीं करे होते, क्योंकि ये उबले हुए होते, उबली हुई चीज़ें कभी नुकसान नहीं करती, आप लोगों को पता है। फिर ये फ्राई कर लेंगे, फिर इन्हें मसाले में तल लेंगे, वो मसाले में फ्राई कर लेंगे, तो ये बहुत तरीके से वैसे हो जाते, तो आप लोग इनको बहुत और पतले पतले बने इनको खा सकते हैं। और आटे की, बेसन की चीज़ें कभी नुकसान नहीं करती है, जब आपका मन चले तो। इतने से ही बनाएं, ज़्यादा नहीं है, इससे प्याज या डाल के अच्छे से फ्राई करके खाते। गांव में इस बार नहीं बनाए थे, दीदी ने बोला था प्रीति बना ले, पर मैंने नहीं बनाया। राई से, मेथी से, जीरा से, जिससे मर्जी आप चाहें उससे तड़का दे सकते हैं। मेरे पास अभी वो मेथी थी नहीं, तो मैंने राई से कर दिया है। यहाँ पे लहसुन मैंने डाल दिया उसी वाली कढ़ाई में, थोड़ी लग जाती है क्योंकि नॉन स्टिक नहीं है ना, लग जाते ये फ्राई वगैरह करते हैं ना, तो थोड़े लग जाते हैं, पर कोई नहीं, ये छूट जाएगा अभी मसाले के अंदर। प्याज डाल दिया और वो हरी मिर्ची भी मैंने एक दो डाल दी थी, ये हो जाएगा। फिर इसमें मसाले डाल के इसको थोड़ी बहुत देर के लिए छोड़ देंगे, जब खाएं तब इसमें नींबू वगैरह डालें, पहले से मन डालें, नहीं तो ज़्यादा खट्टे वगैरह हो जाते हैं ना, तो इस वजह से। मसाले जैसे आप खाते हैं उस तरीके से मसाले डाल दें, इसको थोड़ी देर पकने दें, पकेंगे नहीं तो मतलब कच्चे कच्चे रह जाते हैं ना मसाला, तो फिर महक आती है, फिर अच्छा नहीं लगता। इसमें नमक डाल दीजिए और इसको थोड़ी सी देर पकाइए, पकाने के बाद इसमें जो गूलर रखे हैं वो डाल देंगे और आपके खाने के लिए तैयार है। ये देखिए कि फ़ोन आ गया था तो फ़ोन के चक्कर में पूरा मतलब डाल दिए, उसके बाद अरे मैंने तो वीडियो ही नहीं बनाया। तो ये देखिए ये सारे अभी थोड़ी देर रखे रहेंगे, ये छूट जाएंगे, आपके खाने के लिए तैयार है। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खाइए। नींबू डाल के बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, हमें तो पसंद है, अपनी अपनी पसंद अलग अलग भी होती है, ऐसा भी तो मैंने उस दिन बोला था। सामान अभी आया नहीं है, थोड़ा बहुत ही आया जो मैंने दिखा दिया, अभी आपको दिखा देती हूँ। और कल आपके कमेंट आए थे, एक आया था कि ये प्लाजो इतना पतला है तो ये मत पहन, सॉरी ये प्लाजो इतना पतला है मत पहना करो। तो ये प्लाजो पतला तो है, पर इसके नीचे एक और प्लाजो है मोटा सा, ये देखो बहुत मोटा प्लाजो, जो नीचे इतनी जगह वो नहीं है, वो दिखता है पतला पतला, पतला नहीं है प्लाजो, आप लोगों को बता दूँ, बहुत मोटा है। अच्छा वो सामान रह गया, उसको छोड़ देती हूँ। एक मैंने ये सोना के लिए मंगाई है, वंशु के लिए मंगाई, आप लोग बोलेंगे एक ही दिखा दो, तो वंशु ने कैसे पैक करके रखी है। दोनों में से कौन सी अच्छी है बताना, डब्बियों में आई थी, बहुत अच्छे से पैकिंग की गई थी। इस तरीके से लग जाती है, ये इसमें हुक है, उस वाली में चेन है, नीचे यहाँ से लेके वो यहाँ से लेके प्रॉपर हो जाती है। ये भी हुक वाली मेरी है, वो नहीं है हुक वाली, बालों में नहीं पता चले, ऐसी पता चले कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है बताना आप लोग। ठीक है, ये दोबारा से पैक करके रख देंगे। और जो आप लोगों को साड़ी पसंद नहीं है वो मैंने रिटर्न कर दी, और एक डेली यूज के लिए, क्योंकि दोनों घर में शादियाँ हैं तो इस वजह से मैंने एक ग्रीन कलर की साड़ी मंगाई है। कौन सी देखना, मोटर तो नहीं चल रही है, भाग के जाओ जल्दी से। एक ये साड़ी मंगाई मैंने, इसका ये नीचे है सादा सिंपल से, और ये इसका बॉर्डर आएगा। पहन के साड़ी का लुक पता चलता है, मैं यहाँ पे फोटो अगर हो सका तो लगा दूंगी, अभी तो तबीयत खराब चल रही है। ये नीचे आएगा साड़ी का, ये ऊपर आएगा, डार्क है मुझे पता है, पर पहन के साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, हल्की है, गर्मियों के लिए काम आम में बेस्ट है। ये देखिए, और इसके ब्लाउज भी सादा सिंपल सा है। तो इसका ब्लाउज मुझे सिलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है गांव से मैं आई थी, वो वाली हरी साड़ी है, तो अभी गर्मी के मारे बेहाल है। तो एक ये साड़ी भी बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा, इसका ब्लाउज सिलाने की मुझे पसीना देखो कितना आ रहा है, सिलाने की ज़रूरत नहीं, ग्रीन ब्लाउज है, तो इस वजह से ये एक साड़ी मैंने डेली यूज़ के लिए मंगाई है, हल्की सी है।
और आप लोग बोलोगे अपने लिए ही शॉपिंग की, भैया के लिए कुछ नहीं की, तो मैं आप लोगों को बता दूँ उनके लिए एक लोवर मंगाया है मैंने, एक्सल है इस कलर का लोवर मंगाया है, तीन टी शर्ट मंगाई है। आप लोग बोलते हो कि कैसे वो, आप बोलते ही रहते हो वैसा कुछ लोग कि खुद तो लेती रहती हो, पति का ख्याल नहीं रखती हो, पति से प्यार नहीं करती हो, ये है वो है, बड़े हैं उम्र में ये है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो में पता चल जाता है कौन कैसा होता है। वो सादा सिंपल, मैं ही कैसे रहती हूँ सादा सिंपल, घर में कौन काम धंधों में कब तैयार हो पाता है, और तैयार गाँव में तैयार होती थी तो वो आप लोग भी कुछ लोग बोलते थे दिल्ली तो कैसे बन के रहती हूँ गाँव में कैसे बन के रहती हूँ, तो ससुराल इतने दिन बाद जाते कहीं भी जाते तो बन ठन के अच्छे से तो रहते, घर में कौन बन ठन के रहता है। पर मैंने बोला ठीक है जो भी है, एक ये मंगाइए, वो सेम टू सेम उन्होंने वही कलर मंगाया है। अरे सर्दी गर्मी में तीनों में बेस्ट ऑप्शन है, तो ये उठा के रख मैं अभी ये उठा के रखना है, और बिल्कुल भी मुझसे काम नहीं हो रहा, पता नहीं क्या। और इस तरीके से इसको पैक कर दो, इन सबको मुझे वैसे की वैसे रखना होता है। साड़ी रिटर्न पे डाल दी है, सोना के लिए मैंने लहंगा मंगाया, पर उसका ब्लाउज ना मुझे सिलना पड़ेगा, सिलवाना पड़ेगा, तो फिर मैंने उसको रिटर्न डाल दिया है। फिर उसकी जगह दूसरा वो आएगा ना तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कैसा आया, नहीं अच्छा लग रहा। साड़ी कैसी लग रही है बताना, पहन के ज़्यादा अच्छी लगती है, अभी मैं पहन के दिखा नहीं सकती, तबीयत वगैरह ढीले ही, और इस बॉक्स में भी आया है। और आप लोगों को बता दूँ अमेजोन पे बहुत कल से 15 या 14 तारीख से सेल शुरू होने वाली, बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट मिलने वाले हैं, ऑफ़र मिलने वाले हैं, तो वहाँ से जाइए, बहुत सारी जो भी आपको लेना हो वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, इससे भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपके अमेजोन पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और मेन चीज़ है ये सारे प्रोडक्ट मैं बहुत डेली यूज के लिए बहुत अच्छे साड़ियाँ, डेली यूज के लिए बहुत हैवी साड़ियाँ कौन पहन पाता नहीं पहन पाते। और मैंने वो वाली साड़ी आपको दिखाई थी जो मैंने मंगाई है वो, तो आप लोग जाइए जल्दी से जो भी लेना है वो ले सकते हो। और आपको पता है दिल्ली में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर बाढ़ आ गई है, थोड़ा दूरी रह गया पानी, रात भर कोई सोया नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन में दिमाग चल रहा था, सभी लोग 11:30 बजे तक हम लोग बाहर ही बैठे रहे, रात के बाहर बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, और ऊपर से क्या ही बताएं। तो अभी वो कोई भी उनके पास वाली आंटी, उन्होंने तो अपने घर में से किसी को काम पे भी नहीं भेजा, सारे रास्ते बंद कर दिए पानी की वजह से, घर घर में बहुत ज़्यादा वो हो गया है। पर ये तो चले गए, आप लोगों को पता है अभी गाँव से आए तो हमें तो बहुत सारी छुट्टियाँ हमारी वैसे ही हो गई, स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं क्योंकि बाढ़ आ गई है दिल्ली में। आप लोग न्यूज़ वगैरह तो देखते, हम तो नहीं देख पा रहे, मेरा रिचार्ज नहीं है टीवी का, तो इस वजह से तो बहुत ज़्यादा टेंशन में दिमाग, सब लोग बोले छत पे सोते सत्ते रात को बारिश आ गई, वो बाढ़ आ गई तो बहुत दहशत, बहुत डर सा लग रहा था, बहुत अजीब अजीब सा लगता है आप लोग पता। फिर ना ऊपर से आई हो, अगर हमारे ऊपर से आ गई है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं, और नहीं आई है तो कोई मारने वाला नहीं है, यही सोच के हम लोग तो सो गए थे। पर सुबह देखो अब क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी तो मैं जैसा होगा आप लोगों को न्यूज़ में बताऊँ, वो वीडियो के थ्रू बताऊँगी। अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बच्चों का भी ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए, और जगह जगह पानी हो गया है, गड्ढे हो गए हैं, वहाँ पर आप बाहर जाएँ बाइक से मोटरसाइकिल से गड्ढे में चली जाए पता नहीं चलेगा, तो आप लोग सुरक्षित रहिए और सभी सुरक्षित रहें, बस यही चाहती हूँ।